हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शॉपी कंपनी की ओर से आने वाला शॉपी ओवरहेड वीडियो स्टैंड के बारे में। जैसे कि आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर अनबॉक्सिंग कर रहे हो, तो ऊपर से आप जो कि वीडियो शॉट लेना चाहते हो और ट्राईपोड हमारा प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा वीडियो स्टैंड की जरूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, काफ़ी ईजी तरीके से कहीं भी आ जाता है। पर उसके लिए आपको इस टाइप का डेस्क की जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप के डेस्क पर ही वो इस तरह पकड़ के लग जाता है। सो इस टाइप का मैं वीडियो स्टैंड इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आप भी सोचोगे अच्छा सा वीडियो स्टैंड परचेस करने के लिए। आपका बजट अराउंड 500 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 499 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम स्टैंड कोई 699 799 का सेल कर रहा है। जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो उससे कि आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो बॉक्स पैकिंग की बात करें, कुछ इस टाइप से आपको अमेजोन की बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एक और बॉक्स आएगा, इसके अंदर हमारे वीडियो स्टैंड रहेगा। तो इसे चलो मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं, बाद में कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी बता देता हूं। सो कुछ इस टाइप का मैंने वीडियो स्टैंड परचेस किया हुआ है, जो कि आपका अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे क्लिप्स वाले हो गए, जो कि बैंडिंग वाले हो गए, जैसे कि किसी भी डायरेक्शन में आप टर्न वन कर सकते हो, पर वो क्या होता है, वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं जब भी आप इसके थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करोगे, वो प्रॉपरली एक पोजिशन पर नहीं आते और एक टाइम पे जो कि मोबाइल भी बैंड हो जाता है। तो इसके कारण आपको एक स्टेबल जो कि वीडियो ओवरहेड स्टैंड की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ओवरऑल बॉडी की बात करें, मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको कोटिंग भी देखने को मिल जाएगा, तो कभी भी लाइफ में इसके अंदर रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, लंबे टाइम तक आराम से चल जाएगा। अब इसके साथ में आपको क्या क्या आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये हमारा वीडियो का स्टैंड आया हुआ है, साथ में मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है। इधर आपको ये मोबाइल का जो क्लिप है इसे होल्ड करने के लिए देखने को मिल जाएगा, साथ में ये आपका हमारा जो कि इधर लगेगा डेस्क के इधर, और इसके बाद में फिर आपको ये टाइट करने का एक स्क्रू भी देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज को मैं असेंबल कर देता हूँ, असेंबल करके आपको मैं बताया, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें आपको दो क्लिप्स दिया गया, एक इधर क्लिप्स एक दिया गया और एक इधर क्लिप्स देखने को मिल जाता है। तो इनको आपको लूज कर लेना रहेगा, तो जब भी आप लूज करोगे, तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ये लूज किया, तो अब ये इजिली फ्री हो चुका, तो इसे आप किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हो। तो अब कंप्लीट असेंबल करके दिखा देता हूं। तो इधर सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा ये वाला, सो ये वाला लगाना बहुत ही सिंपल है। इस तरह आपको जो कि इसे टाइट कर लेना, और इसके बाद में इधर आपको मोबाइल होल्डर लगाना है। मोबाइल होल्डर आपको ना दो टाइप का देखने को मिल जाता है, इधर भी आप इसे लगा सकते हो इस तरह से, और इस तरह से जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हो। और इधर से आप इसका मोबाइल होल्डर का जो कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसे भी आप टाइट कर सकते हो। तो ये मैंने टाइट कर दिया है, इधर से भी ये मैंने टाइट कर दिया है। इसके बाद में आपको देखने को मिल जाता है ये क्लिप्स, तो ये आपको अपने बोर्ड वगैरह पे लगाना पड़ेगा, तो ये मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ। तो देख सकते हो कंप्लीट मैंने इंस्टॉल कर लिया इस स्टैंड को। तो इस स्टैंड का आपको मैं साइज के बारे में बात करूँ, तो ये आपको 13 इंच का देखने को मिल जाएगा, ये आपको 14 इंच का देखने को मिल जाएगा, तो काफी अच्छा खासा लेंथ इसका एक्सटेंड आप कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको पूरा असेंबली एक बार और बताया था, तो इधर आपको इसके अंदर एक और एडवांस चीज दी गई, जैसे कि ये आपको है ना पूरा का पूरा, जैसे कि काफी सारे जो वीडियो स्टैंड रहता है उसका पूरा का पूरा क्लिप्स एक ही जगह रहता है, तो अभी आप देख सकते हो मुझे इसी जगह पर लगाना था, इस क्लिप्स को मैंने इजिली लगा दिया और इसे इजी तरीके से मैंने टाइट कर दिया। तो इसको क्योंकि हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं आगे पीछे करके आराम से टर्न लेके इसके बाद में फिर इसे मैं आगे खसका के खसकाने के बाद में वापस से टाइट कर सकता हूं, तो ये चीज बहुत ही अच्छी दी गई। और यही क्लिप मुझे जो कि है ना पिक मतलब फिक्स रहता है, ये इतना देख सकते हो इतना फिक्स रहता है, तो मैं इसे आगे टर्न ही नहीं कर सकता, पर अब मैं इसे पीछे लेके इस तरह टर्न करके बाद में साइड से निकाल के टाइट कर सकता हूं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा रहेगा। और इधर बात कर लेते तो इधर आपको ये किस लिए रहता है, जैसे कि इसको आपको ना डायरेक्शन में टर्न करना, इस साइड टर्न करना, तो इसको आपको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। लूज करने के बाद में फिर इसे आप टाइट कर लीजिए, टाइट करके जो भी डायरेक्शन में रखना है 360 डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको दो स्प्रिंग देखने को मिल जाता है, तो इसे आप जैसे कि है ना नीचे साइड में मूव करना चाहते हो, तो ये देख सकते हो मैं नीचे साइड में मूव कर रहा हूँ, ये मेरा नीचे साइड में मूव हो रहा है, ऊपर साइड में कर रहा हूँ तो मैं ऊपर साइड में मूव हो रहा है, ये एक ही जगह पे स्टेबल है, इसे आपको मूव करना बहुत ही सिंपल हो जाता है एज कम्पेयर टू जो हमारा दूसरा वाला क्लिप वाला आता है, जो इधर क्लिप लगती है, मोबाइल भी क्लिप के अंदर होल्ड होता है और पूरा जो कि एक ही सिंगल वायर रहता है, उसे किसी भी डायरेक्शन में टर्न करते हो पर वो वाइब्रेट होता है, वो ज्यादा बेहतरीन नहीं रहता, ये वाला बहुत ही स्टेबल रहता है, तो कुछ भी आप वीडियो बना रहे हो तो इसके कारण ज्यादा बेहतरीन रहता है, और माइक भी इसके ऊपर सेट कर सकते हो। और इधर आपको एक क्लिप देखने को मिल जाएगा, तो जब भी आप अपने परफेक्ट साइज में इसे रख दीजिए, रखने के बाद में फिर इसे आपको फुल टाइट कर लेना, तो जिसके कारण और भी
हिले ना, और वैसे भी आप टाइट नहीं करोगे तो भी ये नहीं हिलेगा। तो आप देख सकते हो जो कि स्टेबल ही था, पर फिर भी श्योरिटी के लिए आपको इसे टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में फिर आपको इधर देखने को मिल जाता है एक और क्लिप्स, तो इस क्लिप को आप लूज करोगे तो ये जो कि नीचे की ओर ऊपर की ओर टर्न होएगा ये वाला। तो इसे आपको अपने डायरेक्शन में सेट करके इसके बाद में फिर इसे आपको टाइट कर लेना, और ये वाला क्लिप आपको जो इसके अंदर का बॉल लगा हुआ है इसे टाइट करने के लिए ये वाला क्लिप दिया गया, तो इसे आपको टाइट कर लेना। इसके बाद में फिर आपको ऊपर मोबाइल का स्टैंड देखने को मिल जाएगा, और ये जो कि जिस तरह सेल्फी का कोई भी स्टिक रहता है तो इसके ऊपर जिस तरह मोबाइल लगाते हैं उस तरह आपको मोबाइल लगा लेना। इसके बाद में आप नीचे आराम से वीडियो बनाई, और इनकेस आप ट्राइपॉड यूज करोगे तो ट्राइपॉड आपको सामने की ओर रखना पड़ेगा, फिर आपका वीडियो वगैरह जो कि प्रॉपर नहीं हो पाता है, और एक ऊपर से जो व्यू रहता है वो एक डिफरेंट ही व्यू रहता है एज कम्पेयर टू इस तरह से व्यू को रहेगा। तो ट्राइपॉड का ऊपर से आप व्यू नहीं ले पाते हो क्योंकि हमारा टेढ़ा मोबाइल रहता है, पर इस वीडियो स्टैंड के अंदर आप है ना ऊपर से व्यू ले पाते हो, जिसके कारण वीडियो और भी अच्छा और बेहतरीन लगता है, इसी तरीके से लोग समझ पाते हैं। इधर आपको स्प्रिंग भी देखने को मिल जाएगा, स्प्रिंग की क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी दी गई, और जब भी आप नीचे करोगे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने नीचे किया, सो ये एक जगह सेट हो गया, जैसे कि लूज होना ऐसा कोई भी मुझे इशू वगैरह देखने को नहीं मिला। सो ऑलमोस्ट इस वीडियो स्टैंड के बारे में सभी चीज डिटेल में बता दिया, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजन से परचेस किया था 499 का, अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये वीडियो स्टैंड को 699 799 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।